सरकारी अनाजों की हो रही बर्बादी, स्थिति बद से बदतर। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलों मुख्यालय स्थित सरकारी अनाज गोदाम की है। सरकारी अनाज गोदाम परिसर में हो रही अनाज की बर्बादी। गोदाम परिसर की स्थिति बद से बदतर। सरकारी अनाज गोदाम परिसर में लोड अनलोड करवा रहे कर्मी से हो रही सरकारी अनाज की बर्बादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गोदाम परिसर की स्थिति ठीक नहीं है। गोदाम परिसर जमीन का स्तर ठीक से बना हुआ नहीं है, जमीन का सीमेंट ढलाई नहीं किया गया है। अनाज लोड ट्रक में भी नीचे की सतह में छेद रहने से अनाज की बर्बादी होती रहती है। गोदाम परिसर की जमीनी स्थिति ठीक नहीं रहने से गोदाम परिसर में प्रतिदिन अनाज की बर्बादी होती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। वहीं लोड अनलोड कर रहे लेबर से हो रहे अनाज की बर्बादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जमीनी स्तर ठीक नहीं है, नीचे बिछाने के लिए पाल भी नहीं है, जिस कारण अनाज की बर्बादी हो रही है। एक तरफ सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है तो दूसरी तरफ प्रतिदिन हो रही गोदाम में अनाज की बर्बादी पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए 20 से 22 में गेहूं खरीदकर 2 रुपये प्रति किलो लाभुकों को देती है, वहीं 30 से 35 रुपये चावल खरीदकर 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो में देती है, लेकिन प्रतिदिन हो रही अनाज की बर्बादी पर किसी का ध्यान नहीं है। साथ ही गोदाम परिसर में थोड़ी सी बारिश होने पर बड़े गड्ढे में पानी का जमावड़ा लगा रहता है। प्रतिदिन हो रही गोदाम परिसर में अनाज की बर्बादी का आंकड़ा कम से कम 5 किलोग्राम की दर से एक महीने का 1.5 क्विंटल होता है, वर्ष का 18 क्विंटल होता है। 3000 × 18 54000 बचाया जा सकता है। ये कोई एक प्रखंड अनुमंडल जिले की बात नहीं है, पूरे राज्य देश की बात है। ऐसे कई गोदाम है जहाँ सरकारी अनाज की बर्बादी होती होगी। सरकार इस तरफ ध्यान दे तो रही है, अनाज की बर्बादी पर रोक लगा सकती है, हो रही अनाज के नुकसान को बचाया जा सकता है या किसी गरीब को देकर पेट भरा जा सकता है, क्योंकि इसी अनाज के लिए हर व्यक्ति अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे कार्य करते हैं। सोचिए, ये वही अनाज है जो सभी व्यक्ति खाते हैं। अब देखना लाजमी होगा कि हो रही अनाज की बर्बादी पर सरकार कब तक रोक लगा पाती है या ऐसे ही अनाज की बर्बादी होती रहेगी। रिपोर्टर बलराम कुमार।